जी नहीं, अभी तक देखा नहीं है लेकिन सुना है बहुत अच्छी, और ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कॉज है और बहुत अच्छी चीज़ है जो एक एक लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, अभी कम से कम ओपनली बात कर पाएंगे, नहीं तो लोग शर्माते थे ओवर द काउंटर पैड मांगने में। पैड मांगने में कैसी शर्म, पैड पैड है पीरियड। जी हाँ, वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने चैलेंज दी थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार से पैड हाथ में लेके वो चैलेंज एक्सेप्ट की है। तो मुझे वही अक्षय जी से ये पूछना है कि आपने हमारी इंडस्ट्री से क्यों नहीं किसी को बोला, तो हम भी देखो कितना सपोर्ट में खड़े होते। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखूँगा, मे बी शायद 13 या 14 को। अगर मुझे चैलेंज मिला मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इसमें शरमाने की क्या बात है यार, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यही बोलना चाहूंगा अक्षय जी को कि थैंक यू सो मच, आप ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्म्स करते हैं और इतना अच्छा करते हैं आप, आपके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी यू नो दे ओपनली बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, जो कि मतलब गलत नहीं है, जो नेचुरल है। इतने टाइम से हम ये सोच रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कैसे बात करें, पैड कैसे जाके मांगें। अब तो मेरा ख्याल है कोई भी जाके केमिस्ट पे अपनी वाइफ के लिए या अपने घर में जो भी है जिसके लिए भी आराम से जाके पैड ले सकता है।